नमस्कार डॉक्टर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शताब्दी भटनागर। आज के शो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में जिससे आजकल ज़्यादातर महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन जिसके बारे में जानकारी ना होने के कारण वो सही तरीके के इलाज से वंचित रह जाती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, जो कि आम बोलचाल की भाषा है। हम एक्चुअली बात कर रहे हैं IVF के बारे में। और आज इस शो में हमारे साथ बेहद ही खास शख्स, बेहद ही खास डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर रुचि मल्होत्रा, जो कि FSIVF सेंटर से खास तौर पर आप ही के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल हम तक पहुँचें, तो आपको उसके लिए फ़ोन उठाना होगा, नंबर घुमाना होगा, वो नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आप नंबर घुमाइए और हम आपकी समस्या डॉक्टर साहिबा तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है डॉक्टर रुचि मल्होत्रा, कि IVF बेसिकली क्या है और किस तरीके से आप इसे जनता तक समझाना चाहेंगी? IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आम भाषा में इसको बोला जाता है। इनफर्टिलिटी का कई कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर मेल फैक्टर या फीमेल फैक्टर 40-40% दोनों का योगदान रहता है इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स में। जैसे मेल फैक्टर में सीमेन का, स्पर्म्स की प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर कम हो सकता है, क्वालिटी कम हो सकती है, या उसकी बनावट वो कम हो सकती है, मॉर्फोलॉजी जिसको बोला जाता है, उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। दूसरा, लेडी के अंदर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसके अंदर बिकॉज ओवरीज है जिसमें से अंडे बनने हैं, उस अंडे ने ट्यूब में से ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर आना है और वहाँ पे प्रेगनेंसी ने ग्रो करना है। तो यहाँ पर किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो प्रेगनेंसी होने में बाधा ज़रूर आती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि साल भर अगर आपका ट्रीटमेंट में आपका बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ना कि एक लोकल क्वैक के पास जाके उससे पुड़िया लेके खा लें कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले चीज़ है कि रीज़न आइडेंटिफाई करें और फिर उसकी तरफ काम किया जाए। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त लगातार काफ़ी कॉलर्स जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ पहले कॉलर शो के जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और अपनी समस्या बताइए। मैं नोएडा से सरोज बोल रही हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, उम्र 40 साल है। क्या मैं टेस्ट ट्यूब बेबी से माँ बन सकती हूँ? पर आप घबराइए नहीं, आपकी समाधान का प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। गाड़ी आपके हाथ से नहीं निकली है, आपने कॉल कर दिया है, आपको इस चीज़ का सलूशन भी मैं बता रही हूँ। आपके लिए एक ही समाधान अब रह गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी। आप नॉर्मल तरह से अब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वो भी टेस्ट ट्यूब वाला ही ट्रीटमेंट होगा, जिससे आपको प्रेगनेंसी की उम्मीद दिखेगी। इसमें हम लोग दवाइयों के द्वारा आपका प्रेगनेंसी करेंगे और प्रेगनेंसी आगे चलाएंगे। और अगर आप भी उम्मीद खो चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं वही आपके हर ताले की चाबी है। आप हमें कॉल करिए और हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर हैं। अपना नाम बताइए और अपनी समस्या बताइए। हेलो, मैं मेरठ से मंजू बोल रही हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। मेरी दोनों ट्यूब बंद हैं, तो क्या मेरे लिए टेस्ट ट्यूब बेबी से कुछ हेल्प मिल सकता है? क्योंकि ट्यूब खोलने का ऑपरेशन भी कराया था लेकिन सफल नहीं हुआ। ट्यूब्स बंद होने का मतलब ये नहीं है कि उनका रास्ता बंद हो गया है। आपकी उम्र इतनी कम है, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। आपको जाना IVF टेक्निक से ही पड़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपने बाकी सारे इलाज कर लिए हैं, आपने ट्यूब खुलवाने तक का भी सर्जरी करा ली है, पर आपकी ट्यूब नहीं खुली। अक्सर क्या होता है कि ट्यूब जब एक बार ब्लॉक हो जाती है, तो सर्जरी से उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो ताकत नहीं रहती है कि वो आपको प्रेग्नेंट कराने लायक बची हो। तो प्रेगनेंसी के लिए आपको टेस्ट ट्यूब के लिए ही जाना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबी में हमें ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं रहती है। आपकी ट्यूब्स अगर ख़राब हो गई हैं तो भी हम अंडेदानी से अंडा लेके बाहर बच्चा बनाकर आपके अंदर रख सकते हैं। साथ ही साथ आज डॉक्टर्स टॉक में हम एक बार आपको फिर से बता दें, हमने जिस विषय को पकड़ा था, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमने इकट्ठी करने की कोशिश करी, वो था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, आम बोलचाल की भाषा में जिसे टेक्निकली और मेडिकली कहा जाता है IVF प्रोसीजर। हमारे साथ डॉक्टर रुचि मल्होत्रा मौजूद थी, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आप घबराइए मत, अगर आपके सवाल हम आज के शो में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, तो शो के अंत में हम आपके सारे सवालों को डॉक्टर रुचि मल्होत्रा तक ज़रूर पहुँचाएंगे। स्क्रीन पर ये नंबर्स पर आप जरूर कॉल करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।